ये डेल का सर्वर है, डेल ईएमसी, ये बॉक्स है, इस बॉक्स को हम ओपन करेंगे। आइए बॉक्स को ओपन करते हैं। बॉक्स को जो है ये ऐसे ओपन कर रहे हैं, देखिए बीच में से जो टेप लगी हुई है, टेप को सबसे पहले काट देंगे यहाँ से, इसको यहाँ से काट देंगे बीच में से, और फिर साइड से काट देंगे, आराम से आराम से आराम से काटो बीच में से काटो, और उसके बाद में जो इधर यहाँ से काट लो राइट से। ये काटने के बाद में बॉक्स जो है हमारा ओपन हो जाएगा। ये बॉक्स हमारा ओपन हो गया, इसका जो है बार कोड आपको दिखाई दे रहा है सामने। सबसे पहले जो आपको बॉक्स में दिखाई देंगे वो जो है इसकी पावर केबल है, इसमें बड़ी वाली पावर केबल लगती है, बड़ी पावर केबल है, देखिए इसके अंदर दिख रही है आपको, मेड इन चाइना ही रहती है सारी चीज़ें तो। और उसके बाद में ये जो है इसकी बुकलेट है, इसके साथ कुछ थोड़ी सी गाइडलाइन आती है आपको कि कौन सी चीज़ें कहाँ रखनी कहाँ लगानी। ये एक एम्प्टी बॉक्स है, एम्प्टी बॉक्स को पहले निकालेंगे, मेरे ख्याल से कीबोर्ड का बॉक्स है शायद, या ऐसी पैकिंग के लिए है लगता है सर, जैसे इसमें कीबोर्ड माउस वगैरह हो। उसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है थर्माकोल के अंदर में जो है ये पैक, यहाँ पर एक सेफ्टी पॉलीथीन के अंदर में, तो ये जो है हमारा है सर्वर डेल T40 पावर एज टावर टाइप, मतलब खड़ा सा रहेगा, खड़े वाले जो रहते हैं उसको टावर टाइप बोलते हैं, आड़े वाले जो रहते हैं फ्लैट बेड के लेते हैं। तो इसको निकालेंगे, इसमें से बाहर निकाल लेते हैं, बाहर निकालेंगे इसको, बाहर निकालने के बाद में आपको बताते हैं कैसे रहता है। अच्छा बाहर निकाल लीजिए, बाहर निकालिए, बॉक्स को उधर रख दीजिए, एम्प्टी बॉक्स को उधर रखिए, इसको फिर यहाँ से जो है ये सारी चीज़ें ले, यहाँ से हाँ इसको ओपन कर ले, ये हो गया ओपन, सॉरी थर्माकोल निकल गया इसका, ये भी थर्माकोल निकाल दिया इसका। अब इसको पलटा लो, मेरे ख्याल से सीधा नहीं दिख रहा ये, क्योंकि सीधा होगा तो उस पर इसकी पैकिंग होगी उधर से, इसको पलटा लो पूरा। हाँ ये देखो यहाँ से इसको ओपन कर लो, ये है इसका सीधा, ये टेप यहाँ से निकाल देंगे, इसकी टेप आराम से निकाल, ये टेप निकाल देगी, जो आपको दिख रहा है सर्वर, इसका जो ये फैन जो एग्जॉस्ट फैन कितना बड़ा है इसका, ये सामने से जो है सीडी रोम, यूएसबी पोर्ट्स, पावर, और उसका नाम डेल ईएमसी का लोगो आपको दिखाई दे रहा है। इधर से भी आपको देख लीजिए एग्जॉस्ट फैन है, इधर से भी देख लीजिए, और पीछे से भी उसको देख लीजिए, पीछे से देखिए, यहाँ से ओपन करेंगे, ये पोर्ट्स है ये ओपन करने के लिए, जिसने पकड़ा है ना बच्चे ने तो उसको वहां से ओपन भी किया जा सकता है। कैसे करेंगे आपको बताइए, ये रैम है और ये हार्ड डिस्क है, एसएसडी दोनों भी है, इसको ओपन कर लो, इसको ओपन करके दिखाए थे आपको रैम कैसी रहती है, देखिए ये रैम है, रैम इस तरह से दिखाई देती है आपकी, ये 8 GB रैम है, एक पोर्ट में लगेगी इसकी, डायनेमिक रैम है DDR, और उसके बाद में जो थी यहाँ SSD थी, इसको भी ओपन करके दिखाएंगे आपको, 2.5 इंच साटा हार्ड डिस्क कैसी है आपको बताएंगे। इसको ओपन करते हैं, इसको पहले इस पर जैसे यहाँ करेंगे आपको इसको बॉक्स निकाल लेंगे साइड से, इसका जो ढक्कन है ना निकालो, आराम से निकालो उसको, निकालो उसका, ये निकल गया ऐसा, ये निकलने के बाद में जो है इस पर ही देखिए ये बॉक्स है ना, ये बॉक्स पर ही सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, ये बॉक्स पर सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी आपको, बाद में बताते हैं। इसको थोड़ा सा लिटा देते हैं, और लिटाने के बाद में इसको जो है देखिए अंदर से, ये पिन है इसकी यहाँ पर, वो सामने जो है वो हार्ड डिस्क है, उसके साथ जो आई हुई है तो अपनी, ये हार्ड डिस्क है ये जो, इसको भी ओपन करके बताते हैं। यहाँ पर आप SSD लगाएंगे इस स्लॉट में, इसको कहाँ से ओपन करते हैं तो इसको देखने के लिए आप जो है और जो ढक्कन था उसमें सब लिखा रहता है कैसे ओपन करते हैं करके, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कैसे ओपन करते हैं। तो जब भी जो नया बॉक्स आया उसमें हाँ ये लॉक है इसका, आप उसी में देखना, उस पर सब लिखा रहता है, ये देखिए इस तरह से पूरा प्रोसीजर है कैसे खोलना क्या करना कहाँ क्या लगाना, या उसकी बुकलेट में भी रहता है। तो इसको अनलॉक करें यहाँ से, अनलॉक करने के बाद में उसको ऊपर उठा के ओपन कर लेंगे, जो मैंने अनलॉक किया था ना अभी,
देखिए ये लॉक यहाँ से उठा लेंगे, यहाँ से उठा के जो है हम रैम इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर में, क्योंकि रैम स्लॉट जो है वो इसी के नीचे रहता है। ये प्रोसेसर है, ये आपको प्रोसेसर दिखाई दे रहा है, ये रैम स्लॉट है, ये यहाँ पर हार्ड डिस्क वगैरह हम लगाएंगे। ये प्रोसेसर पर फैन लगा है, ये एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, दिख रहे हैं ना आप। ये आपका मदरबोर्ड है, ये आपके जो है ये सारे केबल कनेक्शन लगे हुए हैं बराबर, और ये एग्जॉस्ट मतलब यहाँ से हवा आने जाने के लिए है। ये आपका एसएमपीएस जो ऊपर उड़ गया पावर सप्लाई नेट, उसको देख के बेटा सीधा जो उसके स्लॉट है ना, उसके स्लॉट देखो बराबर, वो स्लॉट देख कर ही लगा उसको। मेरे ख्याल से इसको पलटाना पड़ेगा ऐसे। हाँ उसको क्या करो, जो व्हाइट वाला जो व्हाइट वाले में लगाओ, ब्लैक वाला जो ब्लैक में, जैसे इधर व्हाइट में रैम लगी हुई है तो उधर के व्हाइट में रैम लगाओ। हाँ 4 स्लॉट है उसमें रैम के, 8 8 16, 8 11 16 38, 8 6 32 GB तक की जो इसमें हम लोग 4 रैम और लगा सकते हैं इसके अंदर में। तो अभी 2 लगा दिए, 2 और लगा सकते हैं इसमें। ये हो गए, यहाँ से हमने इसमें रैम फिट कर दिया। देखा आपने कैसे जरा से फिट हो गई रैम पे, सब पुश करते से सही लगते से उसकी लॉक लग गई, वाइट जो दिख रही लॉक है इसकी। उसके बाद में हार्ड डिस्क लगाने के लिए केबल निकाल लेते हैं इसमें से। तो अब केबल निकाल रहे हैं यहाँ से हार्ड डिस्क लगाने के लिए, हार्ड डिस्क के कनेक्शन के लिए और उसके पावर के लिए। आपको कनेक्शन करे बाद में बताता हूँ कि कैसे कनेक्शन किया उसका। ये केबल है उसकी साटा को जो हम जोड़ेंगे उसमें से। ये साटा को ओपन कर लेते हैं, साटा हार्ड डिस्क को, इसका भी अनबॉक्सिंग आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए इसको मैंने थोड़ा सा ब्लर करके रखा है कि भाई आपको ब्रांड और नेम वगैरह नहीं दिखना चाहिए उसका, इसलिए हल्का सा उसको फेड कर दिया है, फोकस से दूर कर दिया है उसको हल्का सा। निकालो उसको, ये ऐसे दिखाई देती है आपकी साटा हार्ड डिस्क। ये देख लीजिए एसएसडी, ये एसएसडी आपकी वो दोनों कनेक्शन के लिए, यहाँ से ये कनेक्शन के लिए है, देख रहे हैं ना आप। ये दोनों कनेक्शन, यहाँ कनेक्शन, यहाँ पावर लगेगा, यहाँ उसकी डेटा केबल लगेगी और इसको फिट कर देंगे वे तो इस स्लॉट के अंदर में। यहाँ फिट करके आपको दिखाएंगे इसके साथ में। ये वाली केबल है उसकी और ये इसमें दोनों से इसमें लगा देंगे, यहाँ लग जाएगी इसके ऊपर फिट हो जाएगी इसमें बराबर, और ये ऐसे लग जाएगी। जी 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 इस तरह से वो लगेगी आपकी। बता दें आपको एक हार्ड डिस्क इसकी कैसी लगी हुई, बता देते कि आपको इसकी हार्ड डिस्क कैसी लगी हुई है और हम कैसे इसमें इसको इंस्टॉल करेंगे। तो उसको हमने कर दिया बंद, रैम इंस्टॉल हो गया, रैम इंस्टॉल होने के अंदर एसएमपी इसको कर दिया बंद। ये हार्ड डिस्क लगी हुई है, इसके जो ब्लू क्लिप दिख रहे हैं वो ब्लू क्लिप को जो है हम इसे दबाएंगे और दबाकर जो है बॉक्स में उसको निकाल लेंगे। तो सबसे पहले उसके कनेक्शन निकालने पड़ेंगे यहाँ से, पहले कनेक्शन निकालने पड़ेंगे यहाँ से, ये कनेक्शन निकालेंगे। हाँ ये कनेक्शन निकाल लो, ये कनेक्शन है उसकी, ये पावर केबल है और ये, तो पहले कनेक्शन निकालते हैं। कनेक्शन निकालने के बाद में फिर उसको हम जो क्या करेंगे, और ब्लू बॉक्स ब्लू क्लिप को दबा के जो है ऊपर उठा लेंगे। अब कनेक्शन तो निकालो उसके पहले, निकालो कनेक्शन। ये जो है ये जो है ये पावर है इसका और ये जो है इसके डेटा केबल है। निकाल निकाल बेटा, ये निकाल लिया आपने। उसके बाद में हार्ड डिस्क को निकालेंगे क्लिप करके। तो ये इसके साथ जो हार्ड डिस्क आई थी ये हार्ड डिस्क है, देखिए ये 1 TB की हार्ड डिस्क है। इसको हम क्या करेंगे, बैकअप के लिए इस्तेमाल करेंगे और साटा को जो है बूट करने और प्रोसेस के लिए करेंगे। इसको कवर में ही, ये कवर है उसका अंदर फिट रहने के, हल्ला नहीं चाहिए उसने उसके लिए। और साटा को जो हम फिट करेंगे यहाँ स्क्रू से फिट कर देंगे ये दोनों के, इसके ऊपर ये हार्ड डिस्क लग गई है, ये हार्ड डिस्क का कनेक्शन हो गया, वापस से कनेक्शन कर दिया हमने आपको बताने के लिए कि ऑलरेडी ये लग कर आई थी उसके साथ, लेकिन कैसे कनेक्शन करते हैं हार्ड डिस्क का हमने आपको बताने के लिए सब निकाला है पूरा। तो यहाँ से ये निकाले, यहाँ से ये निकाले, बॉक्स में से हार्ड डिस्क निकाले, हार्ड डिस्क भी आपको निकाल के दिखा दी कि इसके साथ जो ओरिजिनल हार्ड डिस्क आई हुई थी वो कैसी थी बराबर। ये कनेक्शन फिट हो गए, कनेक्शन फिट होने के बाद में जो है इसके बाद जो है हम लोग जो है इसको साटा लगाएंगे। साटा हार्ड डिस्क को कैसे, ये साटा है, ये साटा जो है आपकी सॉरी SSD बोल लीजिए उसको, SSD के नाम से लोग जानते हैं। तो ये हमने SSD लगा दी यहाँ पर, फिट कर दी SSD, 2 स्क्रू से इसको जो है फिट कर देंगे यहाँ पर, इसको पावर भी लगा दिया और लगा, इस तरह से जो हमने सारी चीज़ें इसमें इंस्टॉल कर दी है।
आज के इस वीडियो में हमने देखा है डेल का जो सर्वर है T40 पावर एज नाम से, उसको हमने अनबॉक्स किया। अनबॉक्स करने के बाद में उसमें रैम इंस्टॉल की, रैम इंस्टॉल करने के बाद मैंने आपको हार्ड डिस्क दिखाया, सारे पार्ट्स दिखाए, और उसके बाद में मैंने आपको SSD कैसे लगाते हैं वो भी दिखाया। आई होप आपको जो है वो समझ में भी आ गया होगा, आपने देख भी लिया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर, कमेंट करिए, और जो है हमारे दूसरे भी वीडियो देखिए। थैंक यू वेरी मच।